हेलो दोस्तों, जय माता दी। डीडी ब्लॉग खिचड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, हल्दी वाले ब्लॉग में। तो बुआ यहाँ पे साड़ी भी पहन रही है और तैयार भी हो रही है, और हल्दी हाथ में। जैसे कि लोग पीला पहनते हैं, तो यहाँ पे बुआ और ईशा दोनों ने पीला पहन रखा है, और ईशा साथ साथ बुआ का मेकअप भी कर रही है। जब हम निकल रहे हैं हल्दी हाथ के लिए, वैसे तो जल्दी जा रहे हैं पर फिर भी बढ़िया, मुझे भूख भी लग रही है। और मम्मी की आज बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, जैसे कि मेन चीज़ नथ, जूड़ा, दूल्हे की चढ़ाने की माला और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी भाग दौड़ में हम जा रहे हैं, तो मम्मी को अब रिग्रेट हो रहा है बाल कटाने का, क्योंकि जूड़ा नहीं बन पा रहा है। नानी सही बोलती है, लिसन टू योर मम्स। ओके बाय पीपल। हो चुके हैं, जा रहे हैं। देखिए कपड़े पहन रखे हैं, हल्दी है ना, फैमिली इशू। तो मम्मी की शूट करने आए थे, और व्यू देखो यार, मेरा मन मजे आ गए मेरे को उठ के साथ ही, तो मस्त हो रहा सामने प्यारे सुनहरे बादल। और लोग इस होटल में रहे हैं, होटल ओमलेट में, दिख ही नहीं रहा है मुझे सामने। हाँ ये है, हमने रोड पार करके और इधर एक गली में जाना है, और उनका घर आ जाएगा मौसी अंकल घर इस साइड। इस गली को पार जाना है, इसको पार करके उनका घर थोड़ी दूर बाद। ये तो साथ ही आ गया, पहले घर मुझे लगा बहुत दूर जाना है, और यहाँ पे बंदर भी है चुका है। ये है घर, और हम आ गए हैं। यहाँ पर हल्दी लगेगी, कपड़े धुल रहे हैं अभी। यहाँ होगी पूजा, प्यारी सी यहाँ पर एक स्कूल लगी है। ऊपर ऊपर कर ये है इनका ऊपर जाने के लिए, ये इनका बैठक है। अभी तो सारा सामान निकाल रखा है इन लोगों ने, और इधर से देखिए अभी ऊपर आ जाइए। आप आ रही हो? यहाँ पर ये है इसका नाश्ता पानी हो रहा है, यहाँ पर इनका पूजा का है। काफी अच्छा कर रखा है, इनकी ये छत देखिए ऐसी है। ये शिवम का कमरा है, अच्छा बड़ा कर दिया ये शिवम। शिवम के हल्दी होने वाली है, सगन सगुन हो रहा है। ये मिल गया उसका। सुन 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 के चुप, एक मिनट मेरे बच्चा। अरे भाई मैंने यही सोच रखा था, नीचे बैठ तू, नीचे बैठ। नहीं मेरे के लिए हल्दी की सफाई हो रही है, कटिंग हो रही है, इसको तो कूटेंगे अभी। ये है अन्नू के देवर, बड़े वाले ना। सब तैयारी कर रहे हैं, जो कमी समी है उसको जरा पूरी कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। शोभा दीदी आप भी आ जाओ। हाँ आएंगे हम भी।
पर नाश्ता करा जा रहा है, बैठ गए हैं सब नाश्ता करने के लिए। छोले और आलू की सब्जी तरीदार बैकग्राउंड बनाने की, हल्दी में सजा रहे हैं भैया जी, और वो कपड़ा भी ले आए हैं। पहले इस ग्राउंड में डॉगी के लिए बना रखा था ऐसे पिंजरा सा, बट अब वो ख़त्म हो गया है। ये 7 साल पुरानी बात है, 2015 की, जितने भी साल हो गए होंगे। यहाँ पे पिंजरा सा रहता था बहुत बड़ा, बन के हो गया तैयार, अब इन्हें सेटिंग पे लगाएंगे भैया लोग। तो वहाँ पे कुछ टप टप सा आ गया, उसमें बैठा के भैया को शायद हल्दी लगाएंगे। ये उठ गया है, येल्लो येल्लो तैयार हो चुके हैं फाइनली, बाहर बस सज जाए, सब जाएंगे बाहर। वहाँ तो दीवार भी येल्लो है। अच्छा पर हम चलो बच्चों मानसी ले जाओ इसको, दूल्हे के साथ जीवन बन जाएगा। और ये हल्दी के लिए गोले बना रही है, इस पर्दे को उधर करना था जी, उधर करना है। हाँ तो यहाँ तैयारी ऊपर है, शुभम को बुला के दिन से बुला दो की तैयारी हो रही है। मामा जी रियांशु रियांशु हाँ उसको तो जानते ही हो, नेपाल ट्रिप में जिस गई थी अल्लू मेरे साथ, उन्हीं के लिए आ रही है वो। नमस्कार, अच्छी लग रही है ना अल्लू, तेरी नजर अच्छी है इसलिए मैं अच्छी लग रही। अच्छा तो है अच्छी, तो अच्छी है। तो मैं उनका लुक दिखा, अच्छा अलग से चैनल, ये बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है। अरे मेरे बेटे की शादी करा रखी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर हल्दी खाद होने से पहले पूजा की जा रही है। ओम जी भूतानाम अधिपतय विशिता सह कर्णिनः। ये जी है हमारे जी, यस तो लेके चलती हूँ। यहाँ पर कांगन लगाए जा रहे हैं, तो ये चावल है ऊपर, तो
Thank you.
एक सुंदर से नृत्य के साथ दुल्हे जी ना के आ चुके हैं वापस और वहाँ अभी भी फोटोशूट चल रहा है। अनुकंपय माम बच्चा ग्रहणार्घ्यम दिवाकर पद्मासनम पद्म करोति बाहु पद्मद्विति सप्त तरंग वाहन दिवाकरो लोक गुरु गुरु जी मई कालम दिवधाम भगवते भाकराय नमः इरम अर्घ्यम जलतवान थाली पकड़ ले बस पाँच चार परिवार को आरती में हाथ लगा ले को घाटा उसमें पड़ेगा तेरे चाचा को बेच ले बन रे बम्बे की सड़क पर मोटर कार चलाएंगे जो उसमें पड़ेगा तेरी चाची को बेच लगाएंगे दीदी पीछे
भिक्षा लेने जाएगा, अभी जने होगा ना, अभी वो पंडित जी उनको भेजेंगे भिक्षा लेने के लिए, पान प्रसाद संघ के लिए, अभी देखना सबसे भिक्षा मांगने जाएगा। ताकि वो बस नंगे पाँव चलना है, साधु सिंपल जीवन जीना है, मांगना के खाना है। पहले ऐसा होता था जब आश्रम में जाते थे तो पांच जगह से मांगना है, अगर पांच जगह में मना हो गई तो छठी जगह मांग नहीं सकते, खाना नहीं है। सीमा का भाई है। अच्छा सीमा, भैया इधर घूम जाओ भैया, थोड़ा सा आप घूमो, तो यही था हमारा हल्दी हाथ का कार्यक्रम। आगे के व्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।